किकबॉक्सिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर आए 6 खिलाड़ियों का बांदीकुई में हुआ भव्य स्वागत। पार्षदों के नेतृत्व में किया गया स्वागत। विक्की डोंगोरिया, पार्षद महेंद्र दैमन, मनमोहन जौहर, दिलीप सैनी, चंद्रमोहन आकोदिया, नवल सांवरिया, अशोक सैनी, संजय पच्चेरवाल, महेंद्र जारवाल आदि ने प्रतिष्ठान पर सभी नेशनल पदक विजेता सभी 6 खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। किकबॉक्सिंग नेशनल खेल के आए 6 खिलाड़ियों का किया है शहर में भव्य स्वागत। पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में 21 से 25 दिसंबर तक हुई जूनियर व कैडर वर्ग के राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दौसा जिले के बांदीकुई के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। वाको किक बॉक्सिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर आए 6 खिलाड़ियों का बांदीकुई में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें जिले के सचिव गुरुदीप सिंह राठौड़ ने बताया कि पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में 21 से 25 दिसंबर तक हुई जूनियर वे कैडर वर्ग के राष्ट्रीय वाको किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दौसा की तरफ से सुमित सैनी, राहुल सैनी, दुष्यंत सैनी, सौरव गुजर, आशिक मीणा, धीरज मीणा का चयन हुआ था। उसमें से राहुल सैनी, सुमित सैनी, आशिक मीणा और धीरज मीणा ने अपने राज्य के लिए कांस्य पदक जीतकर अपने राज्य का नाम बढ़ाया। इस मौके पर भारत के वाको किक बॉक्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, राजस्थान के वाको किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव पुष्पेंद्र गुजर के नेतृत्व में प्रतियोगिता का शुभारंभ एवं समापन हुआ। उन्होंने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खिलाड़ियों के बांदीकुई आगमन पर बुधवार को पार्षदों ने खिलाड़ियों को माला एवं मिठाई खिलाकर किया भव्य स्वागत। वाको किक बॉक्सिंग इंडिया की तरफ से भी बच्चे राजस्थान की तरफ से भी नेशनल बच्चे खेल के आए हैं। ये जो नेशनल गेम हुआ वो पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। तो उसमें से बांदीकुई की तरफ से 6 बच्चे राजस्थान के लिए खेले थे, उनमें से 4 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया।